फेलो मेकर्स, मामी इज़ अराउंड द कॉर्नर। सनडांस फिल्म फेस्टिवल आने वाला है। आई होप आप लोग लिख रहे हैं, इस बार कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या बना चुके हैं। इफ नॉट, दिस वीडियो इज मोस्टली फॉर ऑल यू प्रोक्रेस्टिनेटर्स आउट देयर, जो उनको कंटाल आ रहा है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कौन फिल्म बनाएगा, कैसे बनाएगा। उठो, गेट अप, गेट योर एक्ट टुगेदर, इन फैक्ट गेट थ्री ऑफ देम टुगेदर सो दैट अ फिल्म कैन बी मेड। एक हैक है इसका, यू नो, विच इज़ द 1 मिनट शॉर्ट फिल्म। साउंड ईजी, इट could be, it could not, बहुत सारे permutation combination हैं, but still it is something that you can do rather than not doing it, you know। और इसको कहाँ आप बना के भेज सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जाएंगी इसको बनाने में, we'll discuss everything in detail after this intro। तो यार आई थिंक सबसे पहला सवाल तो ये आता होगा ना कि यार 1 मिनट शॉर्ट फिल्म की कोई वैल्यू भी है, कोई इम्पोर्टेंस भी है। वेल, यू विल बी अस्टोनिश्ड टू नो दैट बिल्कुल है। वन मिनट 20 सेकेंड्स की फिल्म्स एकेडमी अवार्ड्स तक गई हुई हैं एंड दे हैव वन, यू नो, सो इट्स नॉट लाइक इट्स अ फ्रिवलस थिंग। इनफैक्ट शॉर्ट फिल्म मार्केट में, फेस्टिवल सर्किट में, द डील इज दैट द शॉर्टर योर फिल्म द बेटर। श्योर, द वन, वे नॉट सेइंग कि वो 1 मिनट स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट इज बिटवीन दैट 7 and 12 minute मार्क, यू नो, दैट इज़ द मार्क दैट यू शुड एम फॉर। बट स्टिल, लाइक आई सेड, द 1 मिनट शॉर्ट फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मैं अब सनडांस में कहाँ कम्पीट कर लूँगा या बर्लिनाले में कहाँ कम्पीट करूँगा, दैट शुड नेवर बी योर थॉट प्रोसेस। बट इफ इट इज, स्टार्ट स्मॉल ना, स्टार्ट विद द 1 मिनट शॉर्ट। देर आर टन्स ऑफ 1 मिनट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड। एक वेबसाइट है जिसको, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट्स कॉल्ड filmfreeway.com। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, रजिस्टर करके आपको सारी 1 मिनट फिल्म फेस्टिवल्स समझ में आ जाएंगी। एक वेबसाइट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैनी ऑफ देम आर फ्री ऑल्सो टू अपलोड विथ, तो आप बनाइए और वहाँ डालिए एंड यू विल बी सरप्राइज, यू नो, टू सी कि अगर आपका फिल्म कहीं भी एक थर्ड रनर अप, सेकेंड रनर अप, कहीं भी एक जीती भी अगर है कोई फेस्टिवल, तो आपके मोराल के लिए, आपके खुद के लिए कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है। So it's something that you should take seriously and it's something that you should definitely get down and understand ye kaise hota hai. The next question that would probably come up in your head is ki bhaiya ye 1 minute mein kaise kuch story suna denge, 1 minute mein thodi kuch hota hai, bahut kuch hota hai. Matlab sabse pehla starting point to ye hoga na ki you go and watch some films that give you inspiration. Main description mein kuch films ke links dal dunga and I'll also discuss them here, kyunki aapko ek inspiration, ek idea milega. देर इज इज़ वन फिल्म आई सॉ जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है, ठीक है, लॉकडाउन का माहौल है, उस बंदे ने इस्टेब्लिश कर दिया है थ्रू डायलॉग। वो माइक्रोवेव खोलता है, अपनी कॉफ़ी गर्म करने के लिए डालता है, अपने डाइनिंग टेबल पर बैठता है, बड़ा बोर हो रहा होता है, उसकी ड्रम स्टिक्स वहाँ रखी होती हैं, तो वो लिटरली उसको उठाता है एंड ही स्टार्ट्स टू ड्रम। और लिटरली वो, यू नो, एक फ्लैश कट में कट करता है टू हिम एक्चुअली प्लेइंग द ड्रम्स एंड इट्स अ लवली सेट दैट ही प्लेज। And after it's done and he just gets up, you match cut back to the house जहाँ पे वो ऑलरेडी है और फिल्म खत्म। नाउ आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, आप ज़रा फिल्म देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि इस 1 मिनट में फिल्म मेकर ने बता दिया कि भाई देखो लॉकडाउन का टाइम है, बंदा एक आर्टिस्ट है, एक ड्रमर है, बहुत मिस कर रहा है कि वो, यू नो, अपने स्टूडियो में जाए। और पूरे, बहुत लोग ऐसे रिच नहीं होते हैं ना कि इतने बड़े ड्रम सेट को अपने घर में एक 1 बेडरूम में अपार्टमेंट में रख ले। वो कब जाए, वो कब प्ले करे, तो वो लॉन्गिंग, यू नो, कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और कब मैं वापस अपने ड्रम्स पे बैठूंगा और इन्जॉय करूंगा, ये सब सारे इमोशंस उस फिल्म मेकर ने 1 मिनट में आपको फील करा दिए। तो दैट इज़ अमेजिंग, इज़न्ट इट। एक और शॉर्ट फिल्म मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ 1 मिनट की, विच इज़ अमेजिंग। आपको लिटरली दिखता है एक बड़ा ग्रासलैंड है, ठीक है, और एक माँ, यू नो, अपने बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही है, तो वो जाके काउंट कर रही होती है 1, 2, 3, 4, हाँ, जाओ कि बच्चों छुप जाओ। द किड्स आर वेरी एक्साइटेड, वो बेचारे जाके, यू नो, छुप रहे होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। पर वो माँ के आप जब एक्सप्रेशन देखते हो, आपको समझ में आता है कि ये गेम नहीं खेल रही है, ये अपने बच्चों को दूर भेज रही है ताकि वो छुप जाएँ क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं, यू नो, और उनकी लाइफ, उनकी जान को खतरा है,
और अपने बच्चों को बचाने के लिए उनको दूर भेज रही है, क्योंकि उसको पता है अगर वो खुद उनको लेके भागेगी तो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएगी और उसको गोली लग जाएगी। तो वो बच्चों को गेम के तरीके से बाहर भेज देती है ताकि वो बच जाएं, वो आगे तक भाग जाएं, छुप जाएं, और आपको लास्ट में बस ठा की आवाज़ सुनाई देती है एंड यू रियलाइज दैट शी इज़ डेड, राइट? एंड द फिल्म फिनिशेस। एक मिनट की फिल्म है बट इट्स सो 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 अमेजिंग। कितना कुछ बता दिया आपको, पिछला का समझा दिया, आगे का बता दिया विदाउट शोइंग यू एनीथिंग। सो या दैट इज, दीज आर सम ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ यू नो डूइंग अ वन मिनट शॉर्ट। एंड अगर आपको इंस्पिरेशन मिली हो तो आप लिटरली वो पेन पेपर या अपने कीबोर्ड को उठा के लिखना शुरू कर सकते हैं। आइडियाज़ की बिल्कुल कमी नहीं है, आइडियाज़ आर ऑल अराउंड यू एंड इट्स जस्ट अबाउट पुटिंग पेन टू पेपर, पुटिंग फिंगर टू कीपैड एंड गेटिंग दैट आइडिया रोलिंग। पर इसकी ना और भी बड़े सारे एडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। जैसे कि यार देखो, कॉस्ट इफेक्टिव है। आप आज की डेट में 10 से 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाने जाओगे ना, आप जब बजट उसको करोगे तो एक बजट 10-12 लाख का तो आएगा ही आएगा। आप जितनी भी आप मेहनत कर लो, जितनी भी आप फेवर्स पुल कर लो, जितना भी आप कुछ कर लो, आपको 1-2 लाख, 3 लाख तो खर्च करने पड़ ही सकते हैं। बट क्योंकि एक मिनट की फिल्म है ना, एक मिनट की फिल्म क्योंकि है, इसमें यहाँ पे ना कॉस्ट बहुत बच सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन से ज़्यादा तो शूट करेंगे नहीं। देयर इज़ नो चांस, ऐसा हो सकता है आप आधे शिफ्ट में चीज़ों को निपटा दें, है ना। नॉर्मली 1 मिनट फिल्म फेस्टिवल्स की रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी क्रेजी नहीं होती हैं। आप लिटरली अपने आईफोन पे शूट कर सकते हैं। अगर नहीं और आपको एक प्रॉपर कैमरा भी लेना है तब भी आपके कॉस्ट रियली कम डाउन। अगर आपकी एक मिनट की फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होंगे, राइट? 1-2-3 कैरेक्टर्स में आपका काम मोस्टली हो सकता है। यहाँ पे भी आपके कॉस्ट और आपके जो स्ट्रेस पॉइंट्स हैं वो बड़े कम हो जाते हैं, है ना। एग्जीक्यूशन में वेदर इट्स लाइट, वेदर इट्स एनी अदर इक्विपमेंट, बिकॉज इट्स अ 1 मिनट थिंग, कितना ही काम हो जाएगा उसमें इन दैट सेंस, राइट? कहने को तो ऑफकोर्स आप एड भी देखते हो 30 सेकेंड में, तो उसमें मतलब 1 करोड़ की प्रोडक्शन होती है। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिल्म मेकर जिसको एक स्टोरी बोलनी है, एक रिसोर्स में बोलनी है। तो जितना आपका कम ड्यूरेशन होगा, देर इज़ अ हाई चांस दैट यू माइट नॉट हैव टू यूज़ दैट मच ऑफ रिसोर्स, बिकॉज द आइडिया दैट यू विल स्ट्रक्चर विल बी अ आइडिया दैट डज नॉट रिक्वायर टू मच रिसोर्स। और अब ऑब्वियसली बात आती है कि जब आपने सब कुछ बना लिया है, जब आप बना रहे हैं और जब आप फिल्म को रेडी कर रहे हैं, द प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, की थिंग्स टू कीप इन माइंड। सबसे पहली बात तो क्योंकि ये 1 मिनट शॉर्ट फिल्म है, इसमें लॉन्ग क्विक क्रेडिट वेडिट रोल और ये वो अपनी जो आपकी सिनेमैटिक जो चाहते होंगी ना कि अरे ऐसी गाड़ी चल रही है और यहाँ क्रेडिट्स रोल रहे हैं, मेरे को अपनी पिक्चर बनानी है, इस टाइप का इंट्रो मुझे हमेशा देखना था, वो यहाँ मत कीजिए। यहाँ आपके पास टाइम नहीं है। जब आप अपनी बड़ी लॉन्गर फॉर्मेट में चीज़ें बनाएंगे तब आप बेधड़क वो सारी चीज़ें करिएगा एंड गिव योर सेल्फ ऑल दैट सेटिस्फैक्शन, बट नॉट इन योर शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म में मुद्दे पे आइए फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम, बिकॉज आपके पास वक्त कम है। नाउ 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। हम एक लो कॉस्ट परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, स्टिल यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड, क्योंकि ये चीज़ें बाय हुक और बाय क्रुक अचीव हो सकती हैं। बट क्योंकि हम जब लो रिसोर्स प्रोडक्शंस की बात करते हैं ना, हम इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। डोंट डू द मिस्टेक ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज अगर आपने ये 3 चीज़ें अच्छी तरह इन पे फोकस कर लिया तो आपका चांस है कि आप एक टॉप के फेस्टिवल में आपका एक सॉलिड चांस होगा टू एक्चुअली कम इन द टॉप 3 और इवन विन द फेस्टिवल। सबसे पहले परफॉर्मेंसेस। प्लीज़ किसी भी रैंडम पर्सन को उठा के आप उनके साथ शूट मत करिए। वो रैंडम पर्सन को आप उठा सकते हैं पर उस व्यक्ति को एक्टिंग आना बहुत ज़रूरी है। आपका परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग, मेक श्योर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दैट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ग्रेड। आपकी फिल्म आपने अच्छी तरह शूट कर ली, आपने लाइट भी अच्छी तरह कर लिया, फिल्म दिख अच्छी रही है, दैट्स नॉट गुड इनफ। टेक इट टू अ ग्रेडिंग आर्टिस्ट या इफ़ यू आर अ कलरिस्ट और इफ़ यू हैव अ फ्रेंड हुज़ अ कलरिस्ट, बाकायदा एक टोन सेट करो, एक सिनेमैटिक एक लुक दो अपने फिल्म को। इट गोज अ लॉन्ग वे इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वैल्यू फॉर लिटिल मनी। नंबर थ्री इज साउंड डिज़ाइन।
सब लोग भैया बैकग्राउंड म्यूजिक तक हो गया, वेरी नाइस, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ो। नहीं, साउंड डिज़ाइन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में, देखिए समझिए और प्लीज़ साउंड डिज़ाइन को लेके आइए, पुल फेवर्स, डू व्हाटएवर, या अगर कुछ पैसे आप शूट में, प्रेप में, हर जगह बचा लिए हैं तो फिर वो पैसे साउंड डिज़ाइन में डालिए, क्योंकि साउंड डिज़ाइन आपकी फिल्म को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। और ये जो लेवल है ना, इस फ्रीक्वेंसी पे आपकी फिल्म बाकी फिल्म्स के साथ कंपीट कर रही होती है, सो यू डोंट वांट टू बी इन्फीरियर टेक्निकली व्हेन यू पुट योर फिल्म आउट देयर, राइट? सो कीप दीज थ्री थिंग्स इन माइंड व्हेन यू फिनिश एवरीथिंग। अब जब आपके पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट रेडी हो गया है, तो ऑब्वियसली आप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, फिल्म फ्री पे जाइए, एक बजट रखिए भेजने के लिए टू फिल्म फेस्टिवल्स। जो फ्री वाले हैं उनको तो बिल्कुल, उनको तो बम्बार्ड कर दीजिए, सबको भेज दीजिए, कर दीजिए। एंड रियलाइज वन थिंग, इवन आफ्टर ऑल द फेस्टिवल थिंग इज़ डन, फिल्म चली नहीं चली, नो वरीज, क्योंकि एक ये 1 मिनट की फिल्म है ना, आप जब इसे ऑनलाइन डालेंगे, मतलब वायरलिटी के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, ईजी कंजम्पशन कितना आसानी से होता है, कितने सारे व्यूज़ आपको मिल सकते हैं, एक वो एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा आपका जो 1 मिनट शॉर्ट है, वो आपको बहुत जगहों से बहुत सारे आईबॉल्स आपको यू नो दिलवा सकता है। एंड यू नेवर नो, वन ऑफ दोज आईबॉल्स कुड बी ऑफ सम डायरेक्टर, सम बड़ी यू लाइक, सम एक्टर जो बोले कि यार ये फिल्म मेकर तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड टुमारो व्हेन यू मीट और यू रीच आउट टू दैट पर्सन और दैट पर्सन रीच आउट्स टू यू, यू नेवर नो वेयर दिस कैन गो, राइट? सो बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बिकम पॉसिबल इफ़ यू गेट अप एंड गेट एट इट। सो प्लीज़ मेक इट हैपन। आई हैव सेड दिस अ मिलियन टाइम्स एंड आई विल से इट अगेन, डू इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो।